खबर मंडला से आपको बता दें, जहां विकास यात्रा का समापन केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया, जहां उन्होंने बीजेपी की विकास गाथा भी बताई और प्रदेश सरकार के आरबीआई से लगातार लिए जा रहे कर्ज को उन्होंने सही ठहराया। इसके साथ ही मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कांग्रेस और सोनिया गांधी पर भी तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सोनिया की तरह कांग्रेस भी बूढ़ी हो गई है, जिसका रिटायरमेंट जरूरी है। जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे, रिटायरमेंट ही ले सकते हैं। ये पहला अनुभव, अगर इस संख्या को आप देखेंगे, कांग्रेस तो बूढ़ी हो गई, तो स्वाभाविक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बूढ़े हो गए जो उस उम्र के हैं। और इसलिए अगर पैर हाथ नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे, दौड़ तो नहीं सकते हो।